खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। रायपुरिया में चल रही पितृ मोक्ष शिव महापुराण के पांचवें दिन माता पार्वती की विदाई की गई। अपने पिता राजा हिमालय के घर से माता पार्वती की विदाई में सभी की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी, क्योंकि लड़की की विदाई से सबसे ज्यादा दुख माता पिता को होता है। वे बेटी को बड़ी ही लाड़ प्यार से पालन पोषण करते हैं, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। कथावाचक मनसा भारती सुश्री अपर्णा ने बताया कि शरीर जो है वो हमारा घर है, उसकी चाबी है, वह आत्मा है और आत्मा तो परमात्मा को मिलाने का काम करती है। इसलिए सभी कथा श्रवण करने आए श्रद्धालुओं से ये भी कहा कि परमात्मा को पाने के लिए भजन कीर्तन सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सकता है। बेटी तो लक्ष्मी के रूप में पहचानी जाती है, इसकी कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। जब पुत्री अपने घर से विदा होकर अपने घर जाए, इसके पहले कुमकुम से सफ़ेद कपड़ों पर उसके पाँव के निशान लेना चाहिए और अपनी तिजोरी में रखना भी चाहिए, जिससे अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। झाबुआ से गोपाल राठौर के साथ राजेश राठौर की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।